31 तारीख को मीरा भयंदर 145 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ। ये चुनाव विशेष इसलिए लड़ा जा रहा है कि शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ गया है उसके खिलाफ में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शहर के अंदर पिछले 5 साल में खाली बड़े बड़े फलक लगे, बोर्ड लगे, मुझे गर्व है, गार्डन बन गया गर्व है, रिक्शा दे दिया गर्व है, प्लेग्राउंड बन गया गर्व है, गैस की लाइन ऑलरेडी जो 20 माले की बिल्डिंग है उसमें गैस की लाइन आ गई इसलिए गर्व है, अस्पताल बन गया गर्व है। तो जितने बोर्ड गर्व के लगे मैं नहीं समझता उसका एक भी फायदा आप लोगों तक के पहुंचा, विशेष इस सोसाइटी रिक्शा वालों से आप टू ट्रस्ट है, आपके नजदीक में कोई प्लेग्राउंड तो है ही नहीं, आपकी बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन मगर फिर भी गर्व हुआ किसी को, मेट्रो आई मगर गर्व है, तो बोर्ड लगा है गर्व और वो बोर्ड के ऊपर फोटो जो आदमी का लगा है वो पार्ला में रहता और उसको मीरा रोड में मेट्रो आई नहीं लेकिन उसको गर्व होगा। शहर में मैराथन हुआ, आपका हाउस टैक्स का 65 लाख रुपए म्यूनिसपैलिटी ने खर्चा किया और उसके ऊपर 7-11 का मेडल जो बना उसके ऊपर 7-11 लिखा गया मगर गर्व है, पैसा आपका नाम किसी और का। भ्रष्टाचार के संदर्भ में शहर के अंदर हो रहे महापालिका में भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग रोज पेपर में भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा कि इस शहर के लोक प्रतिनिधि के ऊपर हाईकोर्ट बोलती है कि केस रजिस्टर करो। हमको गर्व होता था अगर विधानसभा में अगर इनको पारितोषिक मिलता था जैसा मुझे मिला है, मैं 9 साल विधानसभा में रहा हूं, आप लोग जानता है कोई आप में से कोई जानता है कि मैं 9 साल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहा हूं, 9 ईयर्स, और पहले 5 साल में मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला काम के ऊपर, तो हमको भी गर्व होता है कि हमारे विधायक भले किसी पार्टी के हो जब आदमी चुन के जाता है तो फिर वो एक पार्टी का नहीं रहता, पूरे मतदार संघ का हर एक का होता है, तो अगर उसको भी कोई पारितोषिक मिला था तो हम पूरे शहर को गर्व होता था, मगर आज नजर शर्म से झुक जाती है कि हाईकोर्ट बोलता है कि इस लोक प्रतिनिधि के ऊपर FIR दाखिल करो, गुना दाखिल करो। ये लोक प्रतिनिधि विधानसभा में बोलता है मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे न्यूज भी आई थी, और अभी जब फॉर्म भरा है नॉमिनेशन का तो उसमें सब देना पड़ता है कि कितने क्रिमिनल केसेस है, तो 22 क्रिमिनल केसेस एफिडेविट में लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन के साइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा 22 क्रिमिनल केसेस। तो गर्व किस बात का होगा, ना शहर के अंदर कोर्ट की बिल्डिंग हमने बनाई, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग बन करके 5 साल से वैसी पड़ी, इनॉग्रेशन नहीं हुआ मगर इनको गर्व है। नया प्लेग्राउंड कोई बना नहीं, जो जूना बना है उसी का फोटो दिखा के इनको गर्व हो गया। टेम्बा हॉस्पिटल जो भयंदर वेस्ट में है जो हमने बनाया था बिल्डिंग वैसी ही है, 3 बार इन्होंने उसका उद्घाटन और हैंडिंग ओवर का कार्यक्रम किया मगर अस्पताल नहीं के बराबर वहां पे परिस्थितियां, मगर इनको गर्व। शहर में कोई अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बन के 2014 से तैयार पड़ी है मगर गटर की लाइन चालू नहीं की गई, उसका टेंडर नहीं दिया गया मगर इनको गर्व। परिवहन सेवा हम लोगों ने 50 बसेस थी जब हम 2014 में महापालिका से बाहर निकले थे सत्ता से, मुख्यमंत्री ने आखिर बस का उद्घाटन नहीं बसेस का किया 80 बसों का, आज तक तो वो बसेस शुरू नहीं हुई मगर इनको गर्व। भयंदर से लोकल की संख्या बढ़ी नहीं मगर इनको गर्व। महिला लोकल महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ी नहीं मगर इनको गर्व। मीरा रोड से लोकल शुरू नहीं हुई मगर इनको गर्व। दहीसर टोल नाका हटा देने का वायदा था 5 साल पहले मैनिफेस्टो में था, बीजेपी पार्टी में भी था और विधायक ने भी दिया था, मगर टोल नाका वही के वही है मगर इनको फिर भी गर्व है। पानी बड़ा नहीं, कितनी देर पानी आता है आप लोगों को, और पानी का बिल 2014 से अभी 7 रुपए से 14 रुपया हो गया है, पानी का बिल डबल हो गया है मगर इनको गर्व है। हाउस टैक्स के अंदर आप कचरा उठाने का टैक्स पहले ही देते थे मगर आप पे गब्बर सिंह टैक्स डबल लगा दिया गया 6-8 महीना पहले मगर इनको गर्व। मालूम है आप लोग डबल टैक्स दे रहे हो मगर इनको गर्व। अनगिनत चीजें हैं
हम गिनते चले जाएंगे और बताते चले जाएंगे कि 5 साल में क्या हुआ, 5 साल में एक ही हुआ, एक व्यक्ति का विकास हुआ, खुद का विकास हुआ। महापालिका 750 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गई, मीरा भयंदर महापालिका। 25% कमीशन लिया जाता है, जाहिर बात है। आप 5 साल का म्युनिसिपैलिटी का बजट उठा के देख लो, 800-900 हजार करोड़ रुपए का है, 25% गिन लो, 125 करोड़ होता है, 700 करोड़ रुपए का नुकसान महापालिका के अंदर है और 700 करोड़ रुपए का किसी का क्लब बन गया है। ये आप लोगों के सामने है। हम और हमारे परिवार पिछले 35-50 साल से शहर के अंदर, हम तो यहीं पैदा हुए, 50 साल से समाज की सेवा करता है, लेकिन हमारे ऊपर ना परिवार के ऊपर 1 रुपए का दाग, ना कोई ये कह सकता है कि हमने कभी किसी को सताया परेशान किया। और इस शहर के अंदर जो लोग प्रतिनिधि है, आज गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, छोटे से छोटा आदमी, व्यापारी, फैक्ट्री वाला, गाले वाला, दुकान वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, जो व्यक्ति को आप पूछ लो वो कान को हाथ पकड़ता, बोले साहब इसके अन्याय से बचाइए, इस व्यक्ति से बचाइए, ये परिस्थिति है। मगर फिर भी इनको गर्व, हुकुमशाही, दादागिरी, ये परिस्थिति है। वो चुनाव लड़ रहे हैं खुद की धन संपत्ति और खुद को बचाने के लिए। भाजपा के जो भंडखोर है, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, उनसे लड़ करके उनको हराने के लिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं शहर के विकास के लिए, करप्शन और अन्याय से लड़ने के लिए। आपको फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए। कितनी छोटी सी बात है रिक्शा और गैरेज की, और ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कॉर्पोरेटर के पास नहीं गए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आमदार को आपकी समस्या नहीं मालूम होगी। अगर 4-4 कॉर्पोरेटर यहां से भाजपा का छूट गया है, 2 सेकंड टर्म है ये, 4 कॉर्पोरेटर है, आप लोगों ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से छूट के दिया, 6,000-6,500 वोट आपने ऐसा आंख बंद करके कमल पे ठोक के दिया, दिया कि नहीं दिया। मगर एक इतनी छोटी सी समस्या का समाधान आपका नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं वायदा नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और पक्की पूरी कोशिश करूंगा। ये तो बहुत ही छोटी समस्या है। तो आने वाले 21 तारीख को आपको ये बात का फैसला करना है कि आपको ऐसा लोक प्रतिनिधि चाहिए कि जिसके ऊपर हाईकोर्ट बोलती है कि केस दाखिल करो, कि आपको ऐसा लोक प्रतिनिधि चाहिए कि जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं अपने काम के, जिसके ऊपर कभी 1 रुपए का लांछन या दाग लगा नहीं। हमने समाजकरण को, राजकरण को अपना जीवन बनाया, लोगों की समस्या को सुलझाना ये हमारा कर्तव्य हम समझते हैं, ना कि इसको हम अपना धंधा या प्रोफेशन समझते हैं। ये आपको चित्र आप लोगों के सामने है। कोई ये नहीं कह सकता ये पूरे 50 सालों में ये शहर में ये मुजफ्फर हुसैन जाति से या धर्म से एक अल्पसंख्यक है, या उसने कोई हिंदू मेजोरिटी या भेदभाव या धर्मवाद या भाषावाद या प्रांतवाद अभी कभी हमने किया है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी ये सुना होगा, सुना कभी किसी ने नहीं, नहीं। ये हम सर्व धर्म समभाव मानते हैं और उसी तरह अपने जीवन भी जीते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते, दिल से करते हैं। मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, क्योंकि हम सारी मनुष्य जाति को एक समझते हैं। मगर इन्होंने क्या किया है, हम मारवाड़ी जैन हैं, आप गुजराती जैन हो, हम स्वामीनारायण हैं, हम बैप्स के हैं, आप वड़ताल के हो, आप वैष्णव हैं, आप अमुक हैं, आप नमुक हैं, मतलब हिंदू जाति के अंदर भी भेदभाव पैदा कर। आपको शहर का विकास करना है, आपको एक लोक प्रतिनिधि चाहिए, ना कि आपको कोई मंदिर का, मस्जिद का पंडित या मौलाना चाहिए। आपका प्रतिनिधित्व जो कर सके, आपके लिए आवाज जो उठा सके, आपके प्रश्नों को सॉल्व कर सके और निस्वार्थ कर सके, निस्वार्थ जो कर सके, वैसा लोक प्रतिनिधि आपको चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से विनंती करूंगा कि आने वाले 21 तारीख को मेरे इस पार्टी के सिंबल हाथ के ऊपर बटन दबा के सीरियल नंबर 3 पे मेरा नाम है, उसको दबा करके बहुमतों से मुझे चुन करके भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।